सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़े नहीं होते। जिनके पास सपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। आज का पंचांग 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:02 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात 8:53 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार, आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बांटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। इस समय बहुत ही गंभीर सोच विचार का निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपनी प्रतिभा व योग्यता द्वारा अपने कार्यों को पूरी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देंगे। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी तथा आपसे मेलजोल हार्दिक खुशी देगा। किसी विशेष विषय पर नॉलेज लेने में रुचि रहेगी। आज आपको अपनी सेहत में बदलाव नजर आ सकता है। जिन चीजों को पाने की इच्छा आप रखते हैं उसके पीछे की वजह स्पष्ट होने से सही निर्णय ले पाएंगे। बड़ी खुशी मिलेगी। अपेक्षित जगह से काम प्राप्त होने की वजह से समस्याओं का समाधान मिलेगा। किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से लगाव महसूस होगा लेकिन यह रिलेशनशिप नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यूरिन इन्फेक्शन को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सावधानियाँ, कुछ उलझे हुए मामले अभी बरकरार रहेंगे। दिन के बजाय दिमाग की आवाज़ सुने। हालांकि कुछ लोग विरोधी आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करेंगे परंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी वाद विवाद की स्थिति बनने पर अपना संयम ना खोएं तथा शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी में किसी बात को लेकर मतभेद रहेंगे, समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। हालांकि आप कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों में बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे। आपको अपने साथी के साथ अधिक सहानुभूति के साथ होने की जरूरत है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है और आपको सिर्फ ये महसूस है कि आपके साथी का रवैया आपके प्रति कैसा है और आप उसे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है और ये समय अपनी चिंता को छोड़कर अपने साथी की चिंता करने का है। बात करते हैं करियर की। आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है परंतु अपने दिल के सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सेहत की। अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और
लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज किसी अस्थायी लालच के चक्कर में पड़कर अपनी उस मेहनत को बेकार ना करें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।